हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो हम वीडियो डालते हैं उसका जो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आज का हमारा जो लेशन है, जो हमारा पाठ है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है हिंदी लोक भारती का दसवां कक्षा का लेशन है, तीसरा पार्ट, वाहरे हमदर्द। यानी हमदर्द कहे तो जो हमारे साथ हर परिस्थिति में होता है, जो हमारी मुसीबत में मदद करता है, और हम किसी भी मुसीबत में हो या हमें किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो जो हमारी मदद करता है उसे ही हमदर्द कहा जाता है। और जो इसके लेखक है वो है घनश्याम अग्रवाल जी। हम उनका परिचय देख लेते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है, उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। उनका परिचय इस प्रकार है, घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई है। अपने आसपास की जो प्रत्येक स्थिति का या घटना में हास्य ढूंढकर उन्हें धारदार व्यंग में डालना आपको लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कविता के रूप में लोकप्रिय है और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथाएं संग्रह, ये उनकी कुछ जो प्रमुख कृतियां हैं, ये प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कि जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं वो अपने किस हमदर्द के बारे में बताना चाहते हैं और उसमें क्या ऐसी सीख देना चाहते हैं, इसके बारे में हम ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ेंगे। वाह रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो मेरे सामने एक कार आ रही थी। पूंजीवादी या तो कहे तो इकोनॉमिकल और सामाजिक अर्थव्यवस्था, यानी हमारे जो समाज में जिस प्रकार का जो इकोनॉमी है उसके बारे में वह भाषण सुनकर आ रहे थे और उनके सामने ही अचानक ये कार आ गई थी। भाषण के प्रारंभ से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे की घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खाम खास पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरह दौड़े। यानी वो जब समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भाषण सुनकर आ रहे थे तब उनके सामने से एक कार आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो हमारी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था है यह टकराने वाली है और मैं इसमें खामखा जो अपनी टांग है वो अड़ा रहा हूँ। परंतु वो एक अपने ही सोच में खोए हुए थे, वो अपने भाषण के बारे में ही सोच रहे थे और जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग है वो टूट गई। और वो कहते हैं कि मेरी टांग टूटने के बाद भी कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी मदद के लिए दौड़े हैं, यह देखकर उन्हें इंसानियत पे अभी भी यकीन रहा है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ी। मैंने कहारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? यानी उनका एक्सीडेंट हो गया था और वे बेहोश हो गए थे, परंतु उनकी जो मदद थे वहाँ के कुछ लोगों ने की और जब उनकी आँख अस्पताल में खुली तो वे आसपास देखकर लोगों को बहुत सुकून की चैन लेते हैं और पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर पर फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने पर वह होश आने का ही इंतजार कर रहा था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर है सही सलामत और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटका रखी है। यानी जो मेरी टांग थी वो टूट जाने के कारण मेरी टांग को ऊपर लटका दिया गया है और जितने भी लोग थे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मेरे होश में आने का ही इंतजार कर रहे थे। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना।
सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। यानी पहले ऐसा होता था, जो हमारा सार्वजनिक अस्पताल होता था उसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती थी और लोगों के मन में ऐसी आशंका होती थी कि यहाँ पर जाने के बाद आदमी और बीमार हो जाता है और उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। इसी प्रकार का जो उन्हें एक डर था वो उन्हें भी लग रहा था कि जो मेरी टांग टूटी एक सिर्फ छोटी घटना है और जो मैं इस अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ सार्वजनिक अस्पताल में, ये किसी दुर्घटना से कम नहीं है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की है जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम करना ही हराम हो जाता है। और जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड में कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है। इसीलिए वो इस बात से चिंतित थे कि जितने लोग मुझसे आएंगे और मुझे परेशान करेंगे उतनी ही तकलीफ मेरी बढ़ती जाएगी, इसीलिए मैं आराम भी नहीं कर पाऊंगा। ये तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। यानी आप जितने चाहे मुझसे बातें कर सकते हो, मुझे परेशान कर सकते हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी का हमदर्दी भी वो लोग जता देंगे और मुझसे बदला भी ले लेंगे। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर भी कभी उनसे मिलने मैं गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और वे अपना एहसान चुकाए। उनकी हमदर्दी से ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सबका आता है। यानी वो सोच रहे थे कि जितने लोग मुझसे हमदर्दी जताने आए हैं, मैं भी कभी न कभी उनके लिए ऐसे ही हमदर्दी जताने गया हूँ। जब उन्हें कुछ परेशानी आई है या उनकी जब कोई टांग टूटी है, तब भी मैं ऐसे जाता था और उनसे हमदर्दी जताता था। और वे इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और वे लोग आकर मुझसे हमदर्दी जताए, ऐसा वे कह रहे थे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, यानी सिर्फ हालचाल ही पूछने आते हैं और किसी कार्य हेतु नहीं आते कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछने आते हैं और निकल जाते हैं। ये लोग ही ज़्यादा परेशान करते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा और चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऐसे में जो ऑफिस के बड़े बाबू है वो आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए हैं। यानी वो अब सोचने लगे कि मैं इन लोगों से इतना परेशान हो गया हूँ कि अब कोई भी व्यक्ति आएगा तो मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगा और वो मुझे सोता पाकर वहाँ से चला जाएगा। इसी बीच ये घटना हो गई कि जो ऑफिस के जहाँ पे वो कार्य करते थे वहाँ के जो सबसे बड़े बाबू थे उनसे मिलने आए और उन्हें सोता हुआ देखकर वो सोचने लगी कि यदि मैं यहाँ से ऐसे ही चला जाता हूँ तो उन्हें लगेगा कि मुझसे मिलने नहीं आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग से टूटे हिस्से को जोर से दबाया। यानी ऐसा मैंने सोच लिया था कि कोई कितना भी मुझे जगाए मैं नहीं जगूंगा, परंतु जो मेरे बॉस थे, जो मेरे बड़े साहब थे, बड़े बाबू थे, उन्होंने मेरी टूटी हुई टांग को ही दबा दिया, जिससे मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मैंने जैसे ही आँख खोला चीखते हुए बड़े बाबू कहने लगे कि आप बताइए कैसे हैं, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी,
उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर, यानी जो रिश्तेदार होते हैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं, यानी एक बार चेहरा दिखाकर चले जाते हैं कि वो लोग कह ना पाए कि ये लोग देखने नहीं आएंगे, और ऐसा वो सोचते हुए कहते हैं। इसी प्रकार जो मेरे मोहल्ले वाले हैं वैसे ही आते हैं और यहाँ पर कुछ कुछ करके चले जाते हैं। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोना बाई की छोटी लड़का दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटाया, क्या देखता हूँ कि सोना बाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। यानी जो उनके बच्चे थे सोना बाई के, वो बहुत ही नटखट थे, यानी बहुत मस्तीखोर थे। वो उनके टूटे हुए टांग से ही मस्ती करने लगे, वहाँ पे जो दवाइयाँ रखी है उनसे ही खेलने लगे और यहाँ वहाँ उथल पुथल करने लगे, जिससे वो बहुत परेशान हो गए। मैं इसके लिए उन्हें मना करता, सोना बाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोना बाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोना भाई वहां से चली गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। यानी जो उसके बच्चे आए थे उन्होंने इतनी मस्ती की, इतनी उथल पुछल मचाई कि उन्हें दोबारा आने के नाम से ही उन्हें भय होने लगा, और जो उनकी सीसी थी दवाई की, उनकी बच्ची ने भी तोड़ दिया था सोना भाई के। फिर भी वह उन्हें कुछ नहीं बोली और कहती है कि दवाई का जो है टूटना वो बहुत शुभ होता है। इसी ऐसा माना जाता है कि दवाई टूटी तो समझ लो बीमारी भी दूर हो गई, ऐसा वह कहने लगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे जो रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, घर वालों का सत्यानाश हो। मैं दिल से कहा कि मुझे जो हुआ है सो हुआ है, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। धीरे धीरे हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी वो इस बात से चिंतित रहते हैं कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो औपचारिकता तो निभाते हैं परंतु औपचारिकता निभाने की हद भी पार कर देते हैं। इसी प्रकार वो एक घटना की याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं अपने कमरे में सोया था, जब मेरी टांग टूटी थी, तब मुझसे मिलने एक आदमी आया था और उसकी जो गाड़ी थी वह मेरे जो कमरा था उसके सामने रुकी थी, और वह निकलकर आकर मेरे छाती पर सर रोककर लगातार रोने लगा। और मैं ये पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, और वो कहने लगा कि कार वाला जिसने आपको ठोका है उसका सत्यानाश हो। फिर उन्होंने उसे दिलासा दिया कि ऐसी बात नहीं है, तुम कहो क्या हुआ है, ऐसा तुम रो क्यों रहे हो। तो उसने अपनी जो मुंडी थी, जो अपना उसका मुंह था, वह गर्दन से उठाया और उसकी तरफ देखी और एकदम चुप हो गया, क्योंकि वह गलत कमरे में आ गया था और गलत लोग के सामने वह रो रहा था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, बगल में है, ऐसा वह कहते हैं। हे अच्छा भाई माफ करना, कहकर वहां से चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ने लगी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए थे कि जो व्यक्ति है वह उस उनका एकदम परम मित्र है, इसीलिए वह उनके पास आकर रो रहा है। यह देखकर उनकी पत्नी है उन्होंने भी उस टैक्सी के पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लबकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान रहता है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे, बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, यानी वो एक ऐसे कहते हैं कि कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे हम कभी मिलना नहीं चाहते, और वे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। वैसे ही कहते हैं कि वो हमारे शहर में एक कवि हैं
जिनका नाम है श्री लबकानंद जी, वह भी ऐसे व्यक्ति है, यानी अगर उनसे कोई भी व्यक्ति मिलता है तो अपनी जो 10-20 कविताएं हैं उन्हें वे ऐसे ही बता देते हैं और उन्हें बहुत परेशान करते हैं। एक दिन वैसे ही वह बगल में झोला दबाए उनसे मिलने आ गए। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने आपके लिए एक कविता बनाई है। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। कहने जो उनके बारे में वो सोचते थे कि ये कवि ऐसे हैं कि किससे भी मिलते हैं तो उन्हें अपनी कविताएं सुनाने लगते हैं, ये उनकी कविता किसी को पसंद आए या ना आए, यह कहकर उन्होंने अपनी कविता है वह सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड ही थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही है, कहो कविता कैसी है। और जो उनकी कविता भी बहुत ही बेतुकी थी, उन कविता ऐसी थी कि वो कहते हैं, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ये कविता सुनकर वो ऐसा पूछना चाहते थे कि आप कहो कि मेरी कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही थी, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा, मैं जल्दी ही चाय पिलाऊं और फिर कविता सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। मैंने जल्दी से जल्दी उन्हें चाय पिलाई और उन्हें विदा किया और मैंने चैन की सांस ली। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर कि उस जगह तोड़ना जहाँ मुझसे कोई परिचित ना हो और मुझसे कोई मिलने ना आए और मुझसे कोई हमदर्दी जताने ना आए। ऐसा वह कहते हैं कि मैं इन जो हमदर्दी जताने आते हैं उनसे ही मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, ना कि मेरे टांग टूटने से, ना ही जो मेरी टांग टूटी है उससे अभी मैं हो रहा हूँ। इसीलिए हे ईश्वर तू मेरी टांग जब भी तोड़ना इसी जगह तोड़ना जहाँ पे कोई मुझे जानता ना हो और जो कोई भी मेरे पास आके मैं अपनी हमदर्दी मुझसे जता ना पाए। इसमें कुछ शब्द संसार दिए गए हैं, जैसे फिक्र यानी चिंता करना, हमदर्दी यानी सहानुभूति, एहसान यानी कृतज्ञता, औंधा यानी उल्टा, टांग अड़ाना यानी बाधा डालना, कांप उठना यानी भयभीत होना यानी डर जाना। अगर आपको ये जो लेसन है अगर आपको पसंद आया हो या आपको किसी और विषय से संबंधित कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।